मुजफ्फरपुर के गनीपुर स्थित बंगाली कॉलोनी में हर साल की तरह साल भी श्री श्री माँ श्यामा काली मंदिर में पूजा की जा रही है। 31 अक्टूबर को निशा पूजा रात्रि 12 बजे से आरंभ होगी। 1 नवंबर को संध्या 7:30 बजे से माँ की भव्य धनुचि आरती का आयोजन किया जा रहा है। इस आरती में खासकर महिलाएं एवं बच्चे मिलकर धनुचि आरती करते हैं, जिसके लिए बंगाल से ढाकी कलाकारों को आमंत्रित किया गया। उनके ताल पर महिलाएं नृत्य कर आरती करेंगी। इस महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही 2 नवंबर को आरती के बाद महा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस महाभोज का प्रसाद हजारों की संख्या में भक्त ग्रहण करते हैं। वही 3 नवंबर संध्या 7 बजे से माँ का भव्य जागरण आयोजित किया जाएगा। यह पूजा पूरी बंगाल रीति रिवाज में हमारे मंदिर में इस बार 4 दिन का प्रोग्राम हो रहा है। 31 तारीख को माँ का पूजा है निशा रात्रि में रात्रि 12 बजे से, और 1 तारीख को संध्या 7:30 बजे से आरती है, और रात्रि 9 बजे से माँ का प्रसाद वितरण है, और 2 तारीख को यहाँ महाभंडारा होगा। जन सैलाब पिछले बार आप जानते हुए किए हैं, आप लोग थे ही। इस साल हम आशा करते हैं कि और माँ के आशीर्वाद से बहुत दूर दूर से भक्तगण आएंगे और एक साथ बैठ के यहाँ माँ का भोग ग्रहण करेंगे। जो ये प्रोग्राम हमारा 2 तारीख को है, और 3 तारीख को रविवार को संध्या 7 बजे से लेके कोई जागरण का आयोजन किया गया है, और जागरण के बाद फिर प्रसाद दिया। 1 तारीख को जो एक खासकर 1 तारीख को संध्या 7:30 बजे से एक धनुचि आरती का प्रोग्राम है, जो खासकर विशेषकर महिलाएं लोग भी आती है, वो भी धनुचि आरती करते हैं। कोलकाता से जो आ रहे हैं हमारे ठाक कलाकार बोलपुर से, जो हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। बंगाली रीति रिवाज से पूरा यहाँ जो भी विधि विधान या पूजा होती है वो बंगाली रीति रिवाज से। कितनी वर्षों से हो रही है ये? 1961 से लेके अभी तक परंपरागत बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पूजा होती है। कितना सहयोग रहता है लोगों का समाज में? काफी सहयोग है, हम कहते हैं पूरे मुजफ्फरपुर वासियों का सहयोग है। हमारा ये 29 वार्ड नहीं, आप देखते ही होंगे कि ये पूरे मुजफ्फरपुर, चाहे मुजफ्फरपुर कहीं के भी हो, मैंने मुजफ्फरपुर जहाँ तक जिला जाता है वहाँ से लोग सहयोग करते हैं। अगर हम लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ से भी लोग आके खुद यहाँ आके सहयोग करते हैं। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।